अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खैरियत से होंगे? मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अभी अभी उठी हूँ, करीबन 11 बज रही है। तारीफ जैसे पता है कि पतंगों के दीवाने हो रहे हैं। आज भी स्कूल नहीं गए, खैर शनिचर था और कल 26 जनवरी था, आज छुट्टी थी। आज छुट्टी नहीं है शायद, पता नहीं है कि नहीं है, याद पता भी नहीं है। क्योंकि हम मंडे से ही पहुँचाऊँगी इसलिए नहीं पूछा रहा, थोड़ा ठंडा मौसम और कम हो जाएगा। तो भैया वीडियो के स्टार्ट करते हैं फिर अपन। तो भैया ये तालिब के लिए बना के रखा है नाश्ता, चाय वगैरह मैंने अपने लिए उधर ले गई क्योंकि मुझे नाश्ता करना है इसलिए। और उनका इंतज़ार में मेकअप तो भूखी बैठी रहूँ, मुझे तो अपना काम करना है फिर नाश्ता वाश्ता करके। फिलहाल मैंने बिस्तर तो उठा दिया, मैंने ये आबी का मुझे कपड़े मपड़े भिगोना है, वो धोना है। चलो फिर हम नाश्ता करने। तालिब हम अपना नाश्ता उठा लाओ, नाश्ता करो, आ जाओ जल्दी से, तुम अपना काम करो। और हो सकता मुझे 4 बजे तक में जाना है चक्चियाँ, तो मेरी चच्ची अच्छा ज़्यादा भिनकियाँ गई थी तो कह रही थी कि लांबा खड़ा चलेंगे। तो उनकी अम्मी लांबा खड़ा में रहती हैं, तो मैं कह रही थी 2 दिन के लिए चलूँगी, संडे को आएंगी शाम को। जिसको नाश्ता करना है वो आ जाइए, नाश्ता कर लो कह रही थी। हो गए तो अपन 3-4 बजे तक चलते, तो मैं काम वाम से फारिग हो जाऊँगी, खाना बना दूँगी यहाँ के लिए, तो थोड़े से कपड़े रख के वो धो लूँ क्योंकि मेरा स्वेटर भी नीला हो गया हरा वाला। ये जॉकेट पहनी हुई हूँ मैं, अब ये भी सारा में गंदी हो जाएगी तो मैं इनके वो धो के डाल दूँ। धूप तो मैं कहीं भी लगा लूँगी, ड्राई करके डाल दूँगी तो ऊपर ही लग जाएगी। तब मैं मशीन लगाती हूँ, मशीन भी चेक हो जाएगी कैसी है क्या है, सही चल रही है कि नहीं चल रही है। मेरा तो नाश्ता हो रहा, तारीफ तो तक चूसेंगी रोटी को चाय को चूसने दो। हो गया और मैं डाल लेंगी मशीन में पानी, पाइप लगाऊंगा अंदर बाथरूम में। मैंने मशीन लगा दी है, मैंने कपड़े धोना थोड़े से ही बाल्टी में हाँ दिए थोड़े थोड़े करके धो दिए, अभी हो जाए जब तक चलते हैं किचन में। झाड़ू मैंने दे दिए, मैं कमरा धोने का सोची, नल भी आ गया है, नल चल गया है तो पीने का पानी वगैरह भर लें, बॉटलें भर लें, किचन धो दे, बर्तन धो लें। फिर मैंने आलू भी निकाल के रख दिए, तो ये मैं आलू का भरता बना लूँगी, रखूँगी कढ़ाई भी खंगाल के रख दी, इसी में बनाऊँगी। लाइन का पानी देता सूख जाएगा, तो चल रही तो वोल्टेज कम से कम पे हो गए घर कहीं करीब में करीब में बाहर जाएं कपड़े लेकर आ गई बाटा थे घर जा काम करके जाती हूँ तो दिन के लिए जब भी जो कुछ पीने का पानी खाली हो गया। चलो पानी भर चुका है, आप दो बर्तन और अभी किचन धो के बर्तन धो लेते, मेरे कपड़े निकालू मशीन बंद हो गई, मेरी कमरा धो गया है मेरा, खाली कमरा धो गया पानी साफ करके, पंखा खोल दिया मैंने तो, मुझे अजीब लग रही है हवा लग रही है। गंदा हो रहा था धोती में, कुछ धोया कुछ लगा भी देते थे मगर दिल नहीं मानता था, क्योंकि गया नल भी चल रही था बंद हो गया नल, उनका नहीं पानी कपड़े से था जल्दी सूख जाएगा, जल्दी नहीं तो गीला जाएगा, ठंडा वगैरह पड़ा नहीं रहा। मैं कई चप्पल वगैरह घूमता, मैं तो चप्पल पहन के घूमती हूँ, मैं उनका नंद पे घूमता, भूख लगने लगी काम करती, पोछा कपड़ा कुछ साफ करूंगी, डोरमेट वगैरह को धो के रखूंगी इसलिए। वाह फ्रिज बंद है, फ्रिज बंद कर दिया था मैंने, वॉशिंग मशीन बंद कर दो, अभी नहीं चला रही वो, उसमें है ना चादर पर्दा टूट गया, तो वो पर्दा पूरा तो ज्यादा गंदा होता है, आते जाते हाथ लगते ना तो बंद कर। चलो पाइप उठा के रख दे,
थोड़ी देर सोचिए धूप में जाऊं। चलो बर्तन धो के रख दिए थे, ये बर्तन जमा देंगे। आज दिन क्या है, नेचर है, काम आए कर दे। एक दुपट्टा आया काम करने के लिए, हल्का हल्का काम ज्यादा भारी है। अच्छा है आसान काम, 2 दिन का काम है, कर देंगे। जाना पड़ेगा लेने, नहीं आस पास ही है, जाके फ्री हो जाऊँ जरा घर से, फिर आके फिटारी लगा लूंगी, फिर खाना ही बना ही लूँ। भुर्ता रखा बना ही, आलू रखूँ भुर्ता बना ही नहीं, बस किसी ने बोला है मुझे, इसलिए मैंने ना पहले ऊपर का धो दिया था, मैंने सूख जाएगा तो खाना पकाते रहेंगे, अभी तो गीला भी रहने से कपड़े धोए ना उधर, इसलिए मुझे ऐसे नीचे का समेट के रखने, बस लंबा पाए तो समेट के रखते हैं, सही रहेगा। आज तो सारी चीज़ें यूज हो गई मेरी, पंखा वाशिंग मशीन, चलो अब धुले किचन। चलो भैया किचन विचन तो धुल चुका, और इसको पड़े को फिर खाने की तैयारी करो। गोश्त का सालन रखा था सारा, तो मैं सोच रही हूँ उसमें तहरी बना लूँ। मटर वाला आ गया है, मटर डाल के बना लेते हैं अभी। भुर्ता शाम को बनाएंगे है तानी, ये इसको बिजी इतना है कि बात करने का भी टाइम, मुंडी हिला के काम ले रही है, जाना तो कैंसिल हो गया, नहीं जा रहे है, कुछ काम है तो वो करेंगे। सर्दी बढ़ेगी क्योंकि आज है ना बादल हो रहा, सर्दी तेज हो जाएगी। अभी सब्जी वाला आया था तो मैंने मटर ले लिए, टमाटर भी ले लिए, 10 के टमाटर वो 10 के मटर ले लिए, मैंने छील लो तहरी बना लो, फिर मैंने भगा दी तहरी, भूख लग रही है क्योंकि भूख कहाँ ताली भी गया पढ़ने, 2 बजे जाता है, अभी खाना खाऊँ थोड़ा सा फिर नमाज पढ़ूँ, अभी जाना है जरा काम से, सूट वो दुपट्टा है वो करना है तो लेने जाना है, पास में नहीं, पास से ही लेके आना है। मुझे लग रही बहुत तेज वाली सर्दी, बता चावल चढ़ू, मैं सोची धूप में बढ़ियो, वो बहुत तेज सर्दी लग रही है, बहुत तेज वाली, पूरे रिया रिया अंदर हर कहीं कपड़े पटक पटक के जाता है, दिन भर कपड़े उठाती हूँ मैं इसके, बुत्ते सर्दी लग रही है यार अभी से लगने लगी, रात को क्या होएगा सर्दी का। तो भैया वो क्या कहते हैं, तारीख तो गणेश ही पापा पढ़ने, पतंगों का बिजनेस मेरा हो गया, मुझे करना पड़ रही है, बाहर बच्चों के हवाले करके गए थे वो भी रख के चले गए, जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, मैं पतंगे बेच रही हूँ, आज तो घर में पूरा दिन हो गया मुझे पतंग बेचते बेचते, हम पूरा दिन पतंग बेचूंगी, अब 4 बजे आएगा तब खुद बेचेंगे, थायरी बन जाए, अभी भूख लग रही है, काम कर करके वो पतंगे बेच बेच के पूरा हाल हो चुका है भूख के मारे, घंटे भी कम और बिजनेस भी करो पतंग का, देखो अगर अच्छा चला तो मैं तो दिलवा दूंगी छुट्टियों में, नीचे का घर कम से कम दरवाजे के सामने तो रहता है, कहीं ज्यादा नहीं है दूर। गई तहरी गर्म गर्म मजेदार हुई, मटर भी डाल दिए थे मैंने लेके, बिस्मिल्लाह उसको बूढ़ा हुए हो वो आकर खा ले, देखो मेरा दिमाग कैमरे में धुआं निकल लिया चावलों में, तो मैं कैमरे में ही है ना फूक रही हूँ। ये मैंने खा लिया खाना, बहुत तेज लग रही थी मुझे भूख, अभी हाँ पलट रख के आई हूँ, हाथ धोया और फिर पर्दे की डोरी टूट गई है, यहाँ से धो रही थी इस टाइम एकदम पर्दा लगा हुआ था, मैंने खोला डोरी टूट गया, पर्दा भी मैंने कहा मेला हो रही है तो कुछ डाल दिया वाशिंग में, थोड़ा भीग जाए फिर एक वक्त राउंड चला लेंगे तो वो धुल जाएगा, डोरमेट वगैरह धोना है तो धुल जाएगा, ताजी आएगा वो खाएगा, बनाना है भुर्ता तो उसमें थोड़ी देर लेट लूँ क्योंकि मेरी पीठ में ना इतना भयंकर दर्द हो रहा है, और वो इसमें दर्द होना, और डॉक्टर ने कहा फौरन आराम करना, नहीं तो क्या है कि हड्डी में चटकने लगती है लेट हो तो, हड्डी हो गई है कमज़ोर तीवी की वजह से, वो भी तो डॉक्टर ने कोई जवाब ही नहीं दिया, दिमाग ख़राब हो रही है, कहाँ करवाएं, सरकारी में दिल नहीं जा रही ऑपरेशन करवाने को,
गुड़िया डालेंगे वो उसमें, घुल गए 3 गुड़िया डालेंगे। वो कह रहा पस निकलेगा, पस ऑपरेशन जांच के लिए जाएगा। उन्होंने अगर रीढ़ की हड्डी का पानी निकाल लिया, और हमारी रीढ़ की हड्डी तो वैसे ही कमज़ोर हो रही है, पूरी दुखती है अब तो। पहले तो ऊपर ऊपर दुखता था, अब तो नीचे कमर तक दुखती है यार। चलो हो जाएगी, अल्लाह अच्छा कर देगा। सबर है वो, हिम्मत ताकत दे अल्लाह, ताकत हिम्मत तो बहुत करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ सही रहूँ। गोली खा लूँ मैं तो, अभी सोच रही हूँ एक आधी गोली रखी है। डरती क्योंकि एक आदमी से बर्दाश्त नहीं हो मेरी ना, ये पैर भी भरा रहा है, दुख रहा है, खुद दुख रहा है। मैं गोली निकाल दी, गोली खाऊंगी अभी। तारीफ आ चुका था मदरसे से, पतंग मांझा बिक रही है वो, मैं जा रही हूँ वो दुपट्टा लेने काम करने के लिए। तो ये मैंने खाना पकाना स्टार्ट कर दिया है, मैंने प्याज डाल दी, जीरा बनानी भूटा आलू का चुपटी रहती है, टमाटर यही दुपट्टा कल करूँगी, अभी कल नहीं करूँगी, आज ही लगाऊंगी तभी खाना पका दूँ। फिर से लोगों ने अब सारी पतंग खिला के बैठूँ तो मुझे कुछ करने ही नहीं दिया, तेरा खाली पतंग का कारोबार करो। मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाल दी है, अब मैं डाल दूँ टमाटर का मसाला, टमाटर डाल दिया, आलू का आलू से इसको चला देते हैं। मैंने इसको मंडी आग पे कर दिया, मैंने इसको अच्छी तरह से चला दिया, मैं थोड़ा मंडी आग पे करके छोड़ दिया, क्योंकि कुछ आलू कम गले हों तो वो भी चाहिए, थोड़ी देर के बाद कस लूँगी इसे। आज के लिए रेसिपी थी, मुझसे भी आज पतंगे बिकवा ली, कारोबार करवा लिया, और खुद भी देखो कैसे कारोबार कर लिया। पढ़ने गया था पता नहीं कैसे दिमाग पत्थर रख गया, और खेरी अड्डा मत लगाओ, मैं नहीं करने दूंगी कुछ काम। ये देखो पूरा काम मुझसे करवाता है, हेल्पर ही का मालिक बना बेटा, कुछ दिनों बाद कुर्सी पे बैठ के मुझे ऑर्डर जमाएगा, है ना। क्यों छोटे छोटे से बच्चे पतंग दुकान दुकान पतंग पतंग हम भी बेच रहे हैं आजकल, पतंग कारो पतंग में ही लगे हुए हम भी। अरे थोड़ा सा मांझा भी दे दे यार, तो अच्छे देगा वो मांझा यार। अब देखो हमारी पतंग आने वाली है ना पूरी। अच्छा दुकान लगाई है हमने, क्या बात कर रहे, हमें दिया करोगे, हम खरीदने आएंगे तो नहीं। अरे तू चुप बैठ, अपन बोलते नहीं मम्मी अपन, हम लोग ये पतंग लूट के ला। झूठ बोलोगे अपनी अम्मी से, गलत बात है ये तो, झूठ नहीं बोलना चाहिए यार। कह देना अम्मी हम खरीद लाए, हमें उड़ाना थी, है झूठ नहीं बोलना चाहिए अम्मियों से। अम्मियों बोलती हैं झूठ क्या है, फिर अपन उनके साथ ही रहते ना, जब अम्मी अपन से झूठ नहीं बोलती तो अपन क्यों बोले जरा जरा सी बात पे झूठ, बुरी बात होती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना तालिब, झूठों के सरदार। पतंग मान जा, तुम्हारा बिक गया, कितना बचा है माल, थोड़ा तो बचा है। चलो अच्छी बात है, तारीफ का पूरा माल बिक गया भैया, सुबह लाया था अब शाम तक खत्म, अब मत लाना अभी, यही बेच दो पहले, कल लाना सुबह। हाँ अभी अब ये भी खत्म होने वाली है, आज हमने इतनी सारी लूटी, झूठ मत बोल, तुम्हारी बहन के लिए झूठ मत बोल, हमारे घर है ना वहाँ से वाली पतंग ना, पन्नी वाली चिकन वाली, मैं वहां से लाया था वाली, उसमें वो भी। चलो हो गई तो भाई पतंग मांझा, तो कन्ने भी डाल के देते हो दुकानदार भैया, दे देंगे हमारे छोटे भाई। अच्छा झूठ बोलना ना, अच्छा अच्छा झूठ का सहारा बन रहा हो तुम, है ना, झूठ में सहारा दे रहा हूँ चच्ची खान को। कौन वाले पॉपकॉर्न वाले, नहीं बचने के लिए अम्मा तुम्हारे तो चेहरे पे झूठ दिख जाता है, कब बोल रहा हूँ कब नहीं। बन गया मैं भूता, गैस मंद कर रही हूँ, आके भूनूंगी वाली, ऊपर से सूटर उठा लाऊं जल्दी, मैं सूख गई पहन लूंगी, सर्दी बढ़ गई, ऊपर देखी सूटर, सूटर
ड्राई करके डाला था, गीला है अभी भी। चस्किंग तो शायद हो गई, रोटी भी बना ली मैंने, चाली पे रख देती हूँ ताकि उसमें गर्म भापे नहीं। ककड़ी रखी है, रोटी जमा ली डब्बे में, दे दिया खाना क्योंकि पक गया था। मुझे भी लग रही है भूख, मैं भी खा लूँ। उनके पापा पता नहीं कब तक आएंगे। खा के बता कैसा भी लग रही है। अच्छा, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह तो पढ़ी नहीं है, सुभान अल्लाह के लिए। चलो ठीक है, पढ़ ली होगी। आप लोग भी खा लो खाना, मैं भी खा रही हूँ। चलो, भूख लग रही है मुझे भी, इसलिए के पापा आ गए हैं और हम लोगों ने खा लिया खाना वाना। अब हम बैठे हुए तो आज भी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कमर में बहुत दर्द है। तालिब की आज तो पूरा दिन हमने भी पतंग बेची, तालिब नहीं बेची हम लोगों को, कारोबार करा, खत्म ही हो गई तालिब की पतंग। चलो करेंगे तो पापा कहना है, तो मैं ना बहुत सारे पैसे दे रहा, तुम कर लेना है। पापा कह रहे हैं बहुत सारे पैसे देंगे और मंगवा देंगे। चलो ठीक है, मैं अपनी मेहनत की कमाई दूंगा आज पापा। तारीफ देगा मेहनत की कमाई पापा को। पांच रुपए मेहनत की कमाई बचत लिखना भी दिखाएंगे। चलो अच्छा है, अच्छा नहीं है बच्चा है क्या? नहीं बच्चा, बेटा है। तो नींद आ रही थी, सर्दी भी बहुत लग रही, सो जाओ। पढ़ रहा बोरोप्लस लगाओ। गरीब नहीं, बोरोप्लस से गरीब अमीर से कोई बात नहीं होती इसमें। गरीब अमीर सब दुनिया में ही है, वहां जाके पता चलेगा कौन अमीर है कौन गरीब है, उसके अमल अच्छे। गरीब तो हमारे नबी भी थे, गरीब होना बुरी बात थोड़ी है, समझ में। मैंने कमाया आज 50 रुपीज। अच्छा, 50 रुपीज ने कमाए पूरे पता नहीं सकता कमाई भैया। बहुत मेहनत लग गई, गेहूँ के जब पसीने छूट रहा है सर्दी में। चलो जी, दिखाओ। अपनी मेहनत की कमाई दे रही है वो तुम्हें, देखो कमा के दे रही है मेरा बच्चा। देने को दिल नहीं जा रही, हाथ पे रख के उठाने की इरादा था, गई मेहनत की कमाई। मेहनत वाला आदमी, मेरी मेहनत की कमाई को पप्पिया ले रही है क्या? खुद की मेहनत की कमाई थी इसलिए पप्पियाँ ले रहे हैं। मेरे अब्बा तो खुद मेहनत की कमाई लाते हैं, तुम 10 रुपए की चीज खा के आते हो। भैया तो हो गई रात, क्योंकि रोज ही हो जाती है जल्दी। खाना वाना खिला दिया था, फिर मैं ये लगा के बैठ गई थी, थोड़ा सा ये करा, दुपट्टा लाई थी जो मैं काम का, जो मेरे बर्तन रखे हैं तो मैं धो रही थी, खाना वाना खा लिया। अच्छा, वो फिर तो थोड़ा सा ही बचा, तो भैया लाए थे खाते नहीं निकाला, जली हुई जली हुई लिया थे, भर के दे देते हैं उनको जैसा भी होता है, खाते हैं लिया है कि अच्छी नहीं लगती, बड़ा खाई नहीं किसी ने, उन्होंने खुद ने भी नहीं खाई, मैंने भी नहीं खाई। चलो तो फिर वीडियो एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं नई ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। टाटा, बाय बाय।